Assalamu alaikum. My name is Maria Gane and I'm from Real Scholar School System. Today we are going to take another lecture of English for class 9. हम प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो वेरी फर्स्ट टारगेट हमने लिया था वो था आर्टिकल्स, और हमने उसमें डिस्कस किया कि वी हैव थ्री आर्टिकल्स आ, एन और द। मजीद हमने डिस्कस किया कि जो फर्स्ट टू हैं ये हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स हैं और जो हमारा द है ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। फिर हमने द और दी की कंफ्यूजन को भी डिस्कस किया और साथ में हमने डिस्कस किया था हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है आ और एन उसके यूज को। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो आ है और एन है हमें बचपन से सिखाया जाता था कि एक वर्ड अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा है उसके साथ एन लगता है, एक वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके साथ आ लगता है। हमने देखा कि ये कॉन्सेप्ट गलत है। एक्चुअल जो करेक्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर एक वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम एन लगाते हैं, एक वर्ड हमारा जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो हम आ लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी हमें य की साउंड देता है जो कि वाई की साउंड है तो वी हैव आ यूनिवर्सिटी। ऑनर जो है हमारा वो क्या है, वो ओ की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एच हमारा साइलेंट है उसके साथ एन लगाते हैं। और तीसरी चीज हमने देखी कि बचपन से हमें पढ़ाया जाता है वाई ई ए आर ईयर होता है, ये ईयर नहीं होता, हमें हम इसको जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स में भी ईयर के साथ काउंट करते हैं, ये एक्चुअली होता है ईयर, ये भी या की साउंड से स्टार्ट होता है इसलिए हम इसको आ ईयर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो क्या था, वो ये था कि हमारे पास डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस मैंने बताया कि ऐसी चीजें ऐसे नाउंस जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर हम उसके साथ आ और एन जो हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स हैं उनको हम यूज करते हैं। ऐसी चीजें जो हमारी काउंटलेस हैं या अनकाउंटेबल हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, द जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है उसको यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हमने बॉय और हाउस की एग्जांपल देखी थी कि ऐसी चीजें भी हैं ऐसे नाउन्स भी हैं जिनके साथ हम आ और दा दोनों यूज कर सकते हैं या एन और दा दोनों यूज कर सकते हैं। उसकी भी मैंने एग्जांपल दी थी कि किस सिचुएशन में हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, किस सिचुएशन में हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। ये तो हमने देख लिया। अब हम आते हैं अपने इस सेकंड वाले पॉइंट पे जो मैंने कहा कि हमारा जो इनडेफिनेट आर्टिकल है जो कि कौन सा है, द है, वो अनकाउंटेबल चीजों के साथ यूज होता है। ये तो एक सिंपल रफ सा डिफरेंस बताया है, इसके डिफरेंट यूजेस हैं, हम उन सब यूजेस को देखेंगे। सबसे पहला हमने अभी लिखा था वो यही था कि अनकाउंटेबल नाउंस के साथ आएगा, उसकी एग्जांपल भी दी थी। फॉर एग्जांपल वी हैव स्टार्स, हम अगर ट्री के लीव्स की बात करेंगे तो हम एक ट्री के सारे लीव्स काउंट नहीं कर सकते, हम द लीव्स ऑफ ट्री कहेंगे। इसी तरह हमारे पास और क्या चीजें हैं, फॉर एग्जांपल है सॉल्ट, शुगर, ये वो चीजें हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है हमारे पास जहां पे हम द यूज करते हैं, जब हम कलेक्टिवली नाउंस की बात करते हैं। एक गैंग हो गया हमारे पास, एक ग्रुप हो गया, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं,
ज्यादातर हम द यूज करते हैं एक्सेप्ट फॉर द सिचुएशन कि हम किसी एक अननोन ग्रुप की बात कर रहे हो, उस सिचुएशन में हम आ और एन वाला आर्टिकल यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम हमेशा कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास ऐसे नाउन्स, ऐसी चीजें आ जाती हैं जो दुनिया में एक ही एग्जिस्ट करती हैं, जो सिर्फ वन ए नंबर है पूरे यूनिवर्स में। फॉर एग्जाम्पल अर्थ एक ही है तो हम द अर्थ यूज करते हैं। अगेन वी हैव सन, सन एक ही है, हम द यूज करते हैं। अब एक और मिसकंसेप्शन है हमारे पास आर्टिकल से रिलेटेड, जो इसी कैटेगरी में फॉल करती है, दैट इज कि जो हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल्स हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था लीव्स, हम कहते हैं कि आर्टिकल सिर्फ वन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उनके साथ आर्टिकल नहीं यूज करते। ये भी एक मिसकंसेप्शन है, हम इन लीव्स को एक ही जगह पे एज अ कलेक्टिव वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम उसके साथ आर्टिकल यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ कहा जाता है वॉटर्स कोई वर्ड नहीं है, जबकि वॉटर्स बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, इसके साथ भी हम क्या करते हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, हम द का आर्टिकल यूज करते हैं। एक और एग्जांपल है, हमें बताया जाता है कि ये वर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, पीपल इटसेल्फ प्लूरल है, किसका? पर्सन का, तो पीपल्स कुछ नहीं होता, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता, हमें फिश का प्लूरल लिखवाया जाता था फिश, फिशेस नहीं होता, ये गलत है, फिशेस भी एग्जिस्ट करता है, पीपल्स भी एग्जिस्ट करता है, हम प्लूरल्स के प्लूरल्स आगे बना सकते हैं इस सिचुएशन में कि अगर हमारे पास एक ही काइंड की फिश है तो वो फिश रहेगी, अगर ज्यादा सारी काइंड्स है, मुख्तलिफ फिश है हमारे पास तो वो फिश नहीं, वो फिशेस हैं। ऐसे ही हम अगर पाकिस्तान के लोगों की बात करें तो वो पीपल ऑफ पाकिस्तान हो जाएंगे, पाकिस्तान के लोगों को हम एक ही कैटेगरी में काउंट करेंगे, लेकिन हम जो है वो एशिया के लोगों की बात करें तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज हैं आगे, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो वो पीपल्स ऑफ एशिया हो जाएंगे। अब ऐसे वर्ड्स जो हम प्लूरल्स के प्लूरल्स बनाते हैं उनके साथ आप कभी भी एक डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, पीपल्स के साथ इफ यू हैव टू यूज एन आर्टिकल तो वो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल ही होगा। ऐसे ही फिशेस के साथ अगर आप कोई आर्टिकल यूज करना चाहते हैं तो वो भी आपका इनडेफिनेट आर्टिकल द होगा, द फिशेस, द पीपल्स, ये भी हो गया। अब हमारे पास आती है एक लास्ट कैटेगरी, उस कैटेगरी को समझना क्यों जरूरी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आपको एक ब्लैंक दी हुई है, डैश बॉय हु इज प्लेइंग, क्या प्ले कर रहा है वो? जी फुटबॉल प्ले कर रहा है। आपने यहाँ पे एक करेक्ट आर्टिकल लगाना है और आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, आ एन, सी है आपकी द, और जो डी ऑप्शन है आपकी वो आपको दे दिया है नन ऑफ दीज। ये जो नन ऑफ दीज वाली सिचुएशन है, हमने आर्टिकल का यूज तो देख लिया लेकिन आर्टिकल्स की ही कैटेगरी में कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे कोई भी आर्टिकल आपने यूज नहीं करना, वो कौन सी सिचुएशन है? आपको ब्लैंक दी हुई है डैश पाकिस्तान is famous for sports goods। यहाँ पे आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? यहाँ पे आप लगाएंगे डी ऑप्शन, none of these। उसका रीजन क्या है?
हमने देखा कि हम जब किसी एक चीज की बात कर रहे होते हैं या किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बता रहे हैं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक आर्टिकल यूज कर लेते हैं। यहाँ पे भी तो हम एक स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम नन ऑफ दीज क्यों लगा रहे हैं, ये चीज हमने देखनी है। उसका रीजन ये है कि ऐसे वर्ड्स जो किसी कंट्री के नेम, प्लेस वो भी कंट्री में ही काउंट हो जाती है, सिटी कंट्री में काउंट हो जाती है, या फिर किसी पर्सन के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वर्ड्स ऐसे नाउन्स जो आपके प्लेस या पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ कभी भी आर्टिकल आप नहीं यूज करते, उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं यूज होता। सो द पाकिस्तान नहीं होता। ऐसे ही आपके एक्सरसाइज में आपको बहुत सारी जो है वो ब्लैंक्स दी होती हैं, जिन पर जब हम फिल करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइन्थ की ही बुक में एक्सरसाइज में हमें दिया हुआ है, ऑस्ट्रिच से रिलेटेड कुछ है, ऑस्ट्रिच इज फाउंड कुछ इसी किस्म की है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, फाउंड कॉमनली इन डैश ऑस्ट्रेलिया। अब हम क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक ही कंट्री है और ऐसी चीजें जो दुनिया में एक ही है, हम उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ द लगा देते हैं। ये क्या है, ये आपका आंसर इनकरेक्ट हो गया। फिर हम कहते हैं, एक और चीज हमें सिखाई जाती है, प्लीज पास मी शुगर, इसमें भी ब्लैंक है, और द बॉटल इज फुल ऑफ, इसमें भी उसी से पहले ब्लैंक है। डिफरेंस क्या है, अगर थोड़ा सा फोकस करें, छोटी सी एक ट्रिक है, जब भी आपके पास ऐसे वर्ड्स आ जाएं जो डायरेक्शन शो करते हैं, उनके बाद ब्लैंक हो और एक नाउन आ जाए, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते या वो दुनिया में एक ही है, तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपने उसको ब्लैंक कर देना है। अगर उसके अलावा कुछ और आ गया, कोई भी और पार्ट ऑफ स्पीच आ गया, तो आपने फिर उस सिचुएशन में देखना है कि ये किस किस्म का नाउन है, ये ऐसा नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा आपने द लगा देना है। इसी तरह हम देखते हैं, एक और सिचुएशन आर्टिकल्स की हमें दिया जाता है, डैश डॉग इज डैश फेथफुल एनिमल। डॉग है, किसी स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है नहीं हो रही हमें नहीं पता, डी जो है वो कॉन्सोनेंट की साउंड है, सीधा सीधा हमने आ लगा दिया। फेथफुल एनिमल है, फिर से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, एफ से साउंड स्टार्ट हो रही है, हमने आ लगा दिया। अब आपके पास ऑप्शंस में आया है ये वाला आ, फॉर एग्जांपल, क्या ये डेफिनेट आर्टिकल है या ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल की दो ही टाइप्स हैं, तो आगे की जो दो भी ऑप्शंस होंगी वो किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के नेम्स को मेंशन करके आपको फिल करके दिया हुआ होगा। इन दोनों आम से किसी के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। ये वाला जो आ है, अब सबसे ज्यादा मजे की बात है कि हमने अभी पढ़ा कि आ जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, इसका मतलब है डेफिनेट आर्टिकल हो गया। आपसे ये पूछा हुआ है सेकंड वाले आ का, आप जी इसको सर्कल कर देंगे, आपका आंसर
करेक्ट हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो फर्स्ट वाला आ है ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल बन गया। यहाँ पे क्वेश्चन कम्स हाउ, वही आर्टिकल जिसको हम शुरू से डेफिनेट आर्टिकल कह रहे हैं वो इनडेफिनेट कैसे बन गया सिर्फ एक सिचुएशन में, अगर उसके बाद का जो नाउन है वो है तो एक ही वर्ड लेकिन वो अपनी पूरी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो डॉग है वो किसी एक डॉग की बात नहीं हो रही, वो दुनिया के जितने भी डॉग्स हैं उन सब की बात हो रही है कि दुनिया में जितने भी डॉग्स हैं उन सबको फेथफुल एनिमल कंसिडर किया जाता है। अगर आपको ब्लैंक्स में आएगा तो आपने आ ही लगाना है। अगर आपसे उसकी टाइप पूछी जाएगी तो क्योंकि वो एक पूरी स्पीशी एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने कहा था ग्रुप को क्या रिप्रेजेंट करता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आ आपका किस टाइप में लाई करेगा, वो इनडेफिनेट आर्टिकल की टाइप में लाई करेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको आता है पेपर में डैश मैन इज अ सोशल एनिमल। अब क्या लगाएंगे आप, अगर आपके पास ब्लैंक है तो आप आ लगाएंगे। अगर आपसे पूछा गया है कि दिस आ जो है ये कौन सी टाइप में आता है, डेफिनेट आर्टिकल में आता है या इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है, तो आपने क्या देखना है, ये मैन अपनी पूरी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका आंसर क्या है कि ये आ जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम द टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली विल बी मूविंग टू एनी अदर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एंड आई होप कि आपका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो आपको एक गेस्ट दिया गया था आप लोग वो गेस्ट कर चुके होंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना वो गेस्ट जो है वो मेंशन करें ताकि आपको बताया जा सके कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ने सही गेस्ट किया है और कितने ने सही गेस्ट नहीं किया। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।